ये है टॉक्स न्यूज नेटवर्क और आप देख रहे हैं पॉलिटॉक्स, राजनीति का कच्चा चिट्ठा। राजस्थान प्रदेश कांग्रेस कमेटी के नए चीफ गोविंद सिंह डोटासरा ने बुधवार को 29वें अध्यक्ष के रूप में पदभार ग्रहण किया। इस मौके पर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत व प्रदेश प्रभारी अविनाश पांडे सहित मंत्रिमंडल के सदस्य और कांग्रेस के वरिष्ठ कार्यकर्ता और नेता मौजूद रहे। वहीं कांग्रेस विधायकों के साथ निर्दलीय विधायकों को विशेष रूप से बस के माध्यम से होटल फेयरमोंट से पीसीसी कार्यालय तक लाया गया। सचिन पायलट को बर्खास्त किए जाने के बाद डोटासरा को नया अध्यक्ष बनाया गया था। इससे पहले कांग्रेस में पूर्व अध्यक्ष नए अध्यक्ष को पदभार ग्रहण कराकर जिम्मेदारियां सौंपता आया है। इस मौके पर बोलते हुए मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा कि तीन बार कह रहा हूं, मेरी आत्मा में बढ़ती रहती है, जिंदा होता हूं। मुख्यमंत्री ने कहा कि लोकतंत्र को बचाने के लिए कोई डर एवं लालच नहीं है और सभी हिम्मत के साथ एकजुट खड़े हुए हैं। राज्य में कांग्रेस सरकार बहुमत के साथ है और कोई ताकत नहीं है जो उसे कमजोर कर सके। सीएम गहलोत ने आरोप लगाते हुए कहा कि भाजपा एवं उनकी पूरी ताकत लोकतंत्र की धज्जियां उड़ा रही हैं। पूरे देश की नजर राजस्थान पर टिकी हुई है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा कि इस समय जो विधायक लोकतंत्र को बचाने के लिए एक साथ खड़े हुए हैं, आने वाले समय में उनकी याद लोकतंत्र के प्रहरी के रूप में की जाएगी। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने आगे कहा कि केंद्र सरकार के सहयोग से, बीजेपी के षड्यंत्र से, दलबल के प्रयोग से और सितंबर शाम का हमें असेंबली बुलाया है, मेरे रिपोर्ट मांग करता है और सरकार के पक्ष जो है उसको इलेक्शन देते हैं, हमें चुप रहते या उनकी स्थिति बनी है। हम कहते हैं हम जाने जाते हैं असेंबली, जो माहौल बना है चिंता करने योग्य नहीं, सरकार हमारी सीएम गहलोत ने कहा कि कोरोना को लेकर 5 बार वीडियो कॉन्फ्रेंस में प्रधानमंत्री के साथ बैठा हूं और उन्होंने कोरोना को लेकर राजस्थान की तारीफ की है। उन्होंने कहा कि यह समझ के परे है कि हमारी सरकार को जनता का बहुमत मिला है, मोदी जी ने तारीफ की है, फिर भी सरकार गिराने का प्रयास किया जा रहा है। सीएम गहलोत ने कहा कि राज्यसभा चुनाव में यह खेल शुरू हो चुका था। कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी ने देश में राजभवन पर प्रदर्शन करने के लिए संदेश दिया था और लोगों ने धरने दिए और इसमें 9.5 करोड़ लोगों ने साथ दिया। सीएम गहलोत ने आगे कहा कि जिस प्रकार से क्या सोच है, एक फाइल जाती राजभवन में कैबिनेट की प्रस्ताव थी और साइन होकर वहां जीतते ही काम होता है गवर्नर, बाकी काम इक्वल का होता है विधानसभा, इसको बुलाना कैसे बुलाना था विधानसभा। और यहाँ पर हो रहा है 6-6 पेज के पत्र लिखे जा रहे हैं, हम जवाब दे रहे हैं बार बार, फिर नए प्रश्न खड़े किए जा रहे हैं, इतिहास में आज तक कभी नहीं। डोटासरा के पदभार ग्रहण समारोह में कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव और प्रदेश प्रभारी अविनाश पांडे ने डोटासरा से कहा कि अध्यक्ष के तौर पर ऐसी मिसाल कायम करें ताकि गद्दार के तौर पर पहचान नहीं बने। सचिन पायलट का नाम लिए बगैर पांडे ने कहा कि महत्वाकांक्षा सभी की होती है, लेकिन बड़ी चीजें भरोसे की हैं। यदि आपने भरोसा खो दिया तो फिर आप पर कोई विश्वास नहीं करेगा। आज प्रदेश कांग्रेस कार्यालय में कांग्रेस के सभी बड़े नेता मौजूद रहे। अब कोई ताकत नहीं जो कांग्रेस को कमजोर कर सके, आज कांग्रेस का पूरा परिवार एकजुट है। पॉलिटॉक्स ब्यूरो जयपुर। ये है टॉक्स न्यूज नेटवर्क और आप देख रहे हैं पॉलिटॉक्स, राजनीति का कच्चा चिट्ठा।